Guys, welcome back to another video. In this video, I am going to show you about HR tag, subscript and superscript tag, and pre tag. So let's begin it. So guys, हम सबसे पहले जाकर HTML में एक फाइल बना लेते हैं. tut4.html नामक ये हमने फाइल बना ली. इसके अंदर हम जल्दी से बॉयलर प्लेट कोड लगा देते हैं. एक्सक्लेमेशन मार्क और ये इंटर दबाया. तो जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, वीएस कोड ने हमें एचटीएमएल का स्ट्रक्चर लिखकर दे दिया. यहाँ पर हम इसकी हेडिंग लिख देंगे, डॉट टाइटल लिख देंगे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट को हटाकर ट्यूट थ्री कर देंगे, यानी सॉरी फोर कर देंगे, क्योंकि ट्यूटोरियल फोर है. ओके गाइस, लेट्स बिगिन इट. तो गाइस, व्हाट इज एचआर टैग? व्हाट इज एचआर टैग? कमेंट आउट कर दूंगा. तो गाइस, एचआर टैग बनाने के लिए मैं आपको पहले एक पैराग्राफ लिखूंगा, जिसके अंदर रैंडम टेक्स्ट लिखूंगा लॉरेन. ये लॉरेन लिख दिया मैंने. तो गाइस, मुझे आपको मैं एक बार लाइव पर चालू करके दिखाऊंगा पहले. ये लाइव पर मैंने चालू कर दिया ट्यूट फोर को. तो जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, पैराग्राफ के अंदर मैंने जो भी रैंडम टेक्स्ट लिखा वो हमारे वेब पेज पर दिखाई दे रहा है. लॉरेन सब डॉलर यहाँ पर यह चीज दिखाई दे रही है. ओके गाइस, फिर मैं क्या करता हूँ, मैं और एक पैराग्राफ लिख दूंगा. ए पी लॉरेन टू सेव एंड लाइफ सर्वर ओपन करते. तो ये गाइस, हमारे पास दो पैराग्राफ आ चुके हैं, लेकिन मुझे इनको हॉरिजॉन्टली डिवाइड करना है, यानी कि जो बीच इसके दो पैराग्राफ के बीच में जो गैप है, उस गैप में मुझे एक लाइन को ऐड करना है. तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर दोनों पैराग्राफ के बीच में एक एचआर टैग को लगा लूँगा. और ये गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं एचआर टैग को लगा दिया, कंट्रोल एस टू सेव, और मैं यहाँ पर लाइव चेक करूंगा. ये गाइस, एक सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन आ चुकी है. और ये एचआर टैग, जैसे कि आपको पता चल गया एचआर टैग क्या है, एचआर टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले ए हॉरिजेंटल रूलर और अ लाइन सेपरेट कंटेंट योर वेब पेज. तो गाइस, जैसे कि आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि एचआर टैग क्या होता है, एचआर टैग हम क्यों यूज करते हैं, एचआर टैग इसलिए यूज करते हैं, एचआर टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले हॉरिजॉन्टल रूलर. ये एक हमें हॉरिजॉन्टल लाइन बीच में पैदा करके देता है हमारे कंटेंट के बीच में, यानी कि हमें कुछ कंटेंट सेपरेट करना होगा तो हम एचआर टैग का यूज करेंगे. जैसे कि मुझे दो पैराग्राफ को अलग अलग सेपरेट करना था, तो मैंने यहाँ पर एचआर टैग का यूज करके यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रूलर ऐड कर लिया है. तो गाइस, ये था एचआर टैग. अभी हम इसके बाद में देखेंगे सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट टैग. तो गाइस, यहाँ पर मैं लिख दूंगा नोट्स के तौर पर व्हाट इज, इसको कमेंट आउट कर दूंगा, और यहाँ पर लिख दूंगा गाइस व्हाट इज सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट. कमेंट आउट कर दूंगा, थोड़ा सा इंटर मार दूंगा ताकि ये बढ़िया लग रहा है. तो गाइस, मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा व्हाट इज सबस्क्रिप्ट क्या होता है और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है. तो गाइस, मेरे वेबसाइट के अंदर मुझको लिखना है H2O, और ये मैंने कंट्रोल से सेव किया. पहले इसको कमेंट आउट कर दूंगा, नहीं तो फिर ये पैराग्राफ उधर नजर आएगा. से सेव किया. तो गाइस, ये इस तरह नजर आ रहा है H2O, यानी कि H है, फिर 2 उसी के बराबर है और 0 भी उसी के बराबर है. तो गाइस, O भी उसके बराबर है. तो गाइस, मुझे एक केमिकल फॉर्मूला लिखना है, जैसे कि वाटर का H2O, यानी कि 2 जो है वो नीचे आ जाए. तो मैं इसे किस तरह लिखूंगा, इसका
टैग यूज करेंगे। इस सब टैग यूज किया, मैं यहाँ पर लिखूंगा टू, लिखूंगा यहाँ पर, सॉरी एक मिस्टेक हुई, पहले यहाँ पर मैं लिखूंगा पी, इसके अंदर लिखूंगा एच, उसके बाद लिखूंगा सबस्क्रिप्ट का टैग, इसके अंदर टू लिखूंगा, फिर उसके बाद लिखूंगा ओ, कंट्रोल इज टू सेव, एंड ये देखिए ये था पहले वाला, फिर ये हमने जो सबस्क्रिप्ट के अंदर लिखा वो ये वाला है, यानी कि ये एकदम ठीक ठाक नजर आ रहा है। यहाँ पर एक स्पेस बढ़ गया इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था। ओके गाइस, अब एकदम ठीक लग रहा है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको आपकी वेबसाइट के अंदर केमिकल फॉर्मूला ऐड करना है या फिर कुछ इस तरह के नंबर ऐड करना है जो हम एक लाइन में लिख सकते हैं, जैसे कि किसी का केमिकल फॉर्मूला होगा वाटर का, जैसे कि हमने भी आपको बताया केमिकल नेम वाटर का H2O, तो ऐसे कुछ टेक्स्ट रैंडम पे स्कैन करने के लिए हम सबस्क्रिप्ट का यूज करेंगे। तो गाइस सेम इसी की तरह होता है, और एक एक टैग जिसका नाम है सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट सुपर, यानी कि मुझे लिखना है 3 पावर 2, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लेकिन यहाँ पर क्या शो हो रहा है, ये तो 32 शो हो रहा है। तो गाइस मुझे लिखना है 3 पावर 2, तो मैं इसके लिए यहाँ पर यूज करूंगा जैसा पहले यूज किया था P, इसके अंदर लिखूंगा 3, फिर यहाँ पर लिखूंगा सुपर स्किप टैग, मारूंगा 3 पावर 2, और यहाँ पर कंट्रोल इज टू सेव, मिस्टेक कर दी मैंने, ये 3 to the power of 2, और ये जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस बिना सुपर स्क्रिप्ट के ये हमें 32 लग रहा था, और जब मैंने ये सुपर स्क्रिप्ट का टैग यूज किया जिसके अंदर आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट आपके सामने 3 to the power of 2 यहाँ पर आ चुका है। तो गाइस कुछ केमिकल फॉर्मूला के वास्ते हम ये यूज करेंगे, और फिर मैथमेटिकल के लिए ये यूज करेंगे। आपको ये फ्यूचर में जब आप अच्छे अच्छी वेबसाइट बनाएंगे आपको ये आगे चलकर यूज होगा। तो इट्स क्लियर गाइस व्हाट इज सुपर स्क्रिप्ट एंड व्हाट इज सबस्क्रिप्ट। तो गाइस चलते हैं आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है प्री टैग। मैं इसको जल्दी से कमेंट आउट कर दूंगा। तो गाइस व्हाट प्री टैग, प्री टैग क्या है मैं आपको बताऊंगा, प्री टैग क्या होता है, प्री टैग से हम क्या यूज करेंगे। तो गाइस मैं लिख दूंगा यहाँ पर एक पैराग्राफ, सिंपल एक रैंडम पैराग्राफ बना दूंगा जैसे पहले बनाया था लॉरेंस से, यहाँ पर मैंने लॉरेंस लिख दिया, कंट्रोल इज टू सेव। तो गाइस मुझे चाहिए जो जो एलाइट है, जो पैराग्राफ है हमारा आगे इसके अंदर एलाइट है, एलाइट के बाद मुझे सारा टेक्स्ट नीचे की लाइन में आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल एक यहाँ पर BR टैग यूज करेंगे। तो गाइस BR टैग यूज करने से क्या होगा, ये सारा का सारा टेक्स्ट पूरा नीचे आ जाएगा, यानी कि एक लाइन ब्रेक आ जाएगा हमारे पैराग्राफ के अंदर। तो गाइस मुझे BR टैग यूज नहीं करना है, मुझे कुछ एक ऐसा टैग चाहिए जो हम इस तरह यहाँ पर लिख, कोई भी पैराग्राफ जैसे कि मैंने यहाँ इंटर कर दिया, फिर यहाँ पर इंटर कर दिया, यहाँ पर कुछ ज्यादा स्पेस दे दी, तो ये सारा का सारा सेम टेक्स्ट हमें रैंडम टेक्स्ट यहाँ पर बाहर भी आ जाए। तो इसके लिए हम यूज करेंगे गाइस प्री टैग, प्री टैग। तो गाइस मैं आपको बताऊंगा, ये प्री टैग मैंने लिखा और ये सारा का सारा कॉपी करूंगा सेम टू सेम और ये पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल एस टू सेव। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने सेम रैंडम टेक्स्ट कॉपी किया, बस फर्क इतना है कि फर्स्ट वाले पैराग्राफ को हमने टी में बी टैग में लिखा और सेकंड वाले को हमने प्री टैग में लिखा। यानी कि प्री टैग क्या है, प्री टैग ने जिस तरह यहाँ पर पैराग्राफ मैंने लिखा, जितना स्पेस दिया या फिर लाइन ब्रेक की या जो कुछ भी मैंने किया, वो सेम एज इट इज हमारे वेब पेज पर आ चुका है, और हमने दूसरे जो पी टैग में लिखा है वो नहीं हुआ, उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं आया गाइस। तो गाइस ये था हमारा प्री टैग, प्री टैग के यूज करते, पी टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले टेक्स्ट, डिस्प्ले टेक्स्ट एज इट इज, यानी कि एज इट इज हमें शो होगा हमारा टेक्स्ट। तो गाइस
जैसा कि आपको पता चल गया है प्रीटेक किस लिए काम आता है, प्रीटेक किस लिए काम आता है कि वो हमारे टेक्स्ट को एज इट इज शो करेगा उसके वेब पेज पर, यानी कि विदाउट इग्नोरिंग स्पेसेस एंड नेक्स्ट लाइन एंड नेक्स्ट लाइन। यानी कि गाइस यहाँ पर एकदम सिंपल भाषा में समझाओ तो ये गाइस प्री टैग हमें ये काम देता है कि हमें अगर स्पेस बढ़ानी है या फिर हमें कुछ भी हमारा टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में लाना है तो ये कोई भी चीज को इग्नोर नहीं करता है, जो हमने कोड में लिखा वो एज इट इज वेब पेज पर शो कर देगा। तो गाइस ये थे हमारे तीन टैग इस वीडियो के अंदर, मैंने बता दिया। पहला टैग था एचआर टैग जो एक हॉरिजॉन्टल रूलर ऐड करने के लिए काम आता है, जो एक कंटेंट के बीच में एक हॉरिजॉन्टल ब्रेक देगा। फिर उसके बाद था सबस्क्रिप्ट टैग जो हमें केमिकल फॉर्मूले लिखना हो या फिर कोई मैथिकल केमिकल फॉर्मूले लिखना हो जिसके अंदर टू नीचे आ रहा है या फिर कुछ भी लिखना हो तो उसके लिए हम सबस्क्रिप्ट टैग यूज करेंगे। फिर उसके बाद था गाइस सुपर स्क्रिप्ट टैग जो हमने जैसा कि मैथमेटिकल फॉर्मूले होते हैं 10^9, 9^2 एज इट इज कोई भी अगर फॉर्मूले होते हैं जिसके लिए हम सुपर स्क्रिप्ट टैग यूज करेंगे। तो गाइस उसके बाद है फिर फ्री टैग जो मैंने आपको अभी बताया है। फ्री टैग क्यों यूज करते हैं? फ्री टैग इज यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट एज इट इज, यानी कि जिस तरह का टेक्स्ट मैंने कोड में दिया है उसी तरह का टेक्स्ट मेरे वेब पेज पर बता दो, तो जब मैं फ्री टैग का यूज करूंगा विदाउट इग्नोरिंग स्पेस एंड नेक्स्ट टाइम। तो ओके गाइस ये था, ये हो गया फ्री टैग्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।